वीडियो में हम लोग कंसाइज मैथमेटिक्स का चैप्टर 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज नंबर जो 5B दिया हुआ है ये हम लोग आज शुरू करेंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। 15 क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? 3x माइनस 2 ऑब्लिक 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 3x माइनस 8 ऑब्लिक एक्स प्लस 4। तो पहले इसको लिख लेते हैं। क्वेश्चन 15 है 3x माइनस 2 ऑब्लिक 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 3x माइनस 8 ऑब्लिक एक्स प्लस 4। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग को क्रॉस मल्टीप्लाई पहले करना रहता है। मतलब हम लोग इसको जो नीचे वाला ये इसको हम लोग ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से और फिर इसको ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। तो 3x माइनस 2 x प्लस 4 इज इक्वल टू 3x माइनस 8 और 2x माइनस 3। अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो लेट्स से 3x को हम लोग x से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3x को हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। सिमिलरली 3x को हम लोग 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इस 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो 3x को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर सिमिलरली प्लस 12x। ठीक है, 3x और 4 12x, ठीक, माइनस 2x, इस 2 को x से किया तो ये हो गया माइनस 2x, फिर 2 को 4 से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस 8 इज इक्वल टू 3x को 2 से किया तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 16x प्लस 24। ठीक है, 8 से 24 और माइनस माइनस प्लस। ठीक है, नाउ अगर आपको अब याद होगा मैंने क्या बताया था जब मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बता रहा था। वीडियो आप हमारे वीडियो में देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। उसमें क्या बताया था, जब चैप्टर 5 का मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड बता रहा था, तो मैंने स्टेप 2 बताया था। स्टेप 2 में क्या था कि जितना भी टर्म्स हैं, जितने भी इक्वेशन हैं, उन सबको लेफ्ट हैंड साइड में ला करके उसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो फॉर्मेट में लाना था। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इन सबको जो भी राइट हैंड साइड में था इसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे। तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, अब 6x स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 6x स्क्वायर, फिर माइनस 9x को लाएंगे तो हो जाएगा 9x जो प्लस में, देन प्लस 16x और ये प्लस में है तो ये हो जाएगा माइनस 24 इज इक्वल टू जीरो। ठीक, अब इसको सॉल्व करने का जो सबसे इजी तरीका होता है कि जो भी एक्स स्क्वायर है, सपोज सिमिलर चीज को पहले पकड़ेंगे, सपोज 3x स्क्वायर ये है, इधर 6x स्क्वायर है। ठीक है, एक्स स्क्वायर कॉमन है। ठीक है, तो 3x स्क्वायर प्लस में और माइनस 6x स्क्वायर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर। ठीक, अब दूसरा टर्म देखते हैं, ये है 12x, ये है माइनस 2x। ठीक है, और इधर 9x है और इधर 16x है, तो 12x माइनस 2x ये क्या हो जाएगा 10x, और इधर 16 और 9 25, और 25 और प्लस 10 ये हो जाएगा 35, तो दिस विल बिकम 35x माइनस 32। अगर माइनस 24 और माइनस 8 को हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 32 इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब यहाँ पे दोबारा से देखिए, जो मेरा केस 3 था उसमें इक्वेशन कैसे बनानी थी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। मतलब हमें क्या चाहिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो फॉर्मेट में। ठीक है, यहां पे क्या हो रहा है, ये मेरा निगेटिव है तो हम लोग निगेटिव से सबको मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि वी वॉन्ट दिस इक्वेशन टू बी कन्वर्ट इन टू दिस फॉर्मेट। ठीक है, तो उसके बाद ये हो जाएगा 3x स्क्वायर
माइनस 35x प्लस 32 इज इक्वल टू जीरो। कुछ लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सर ये तो प्लस था ये तो माइनस था। नहीं, यहाँ पे हम लोग फॉर्मेट देख रहे हैं, यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो फॉर्मेट में लाने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए हम लोग ने ऐसा किया। ठीक है, अब ये सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस, इसको मैं दोबारा तो ठीक से लिख देता हूँ, थ्री एक्स स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब क्या होगा, अब हम लोग को इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने से पहले इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस 32x प्लस 32 इज इक्वल टू जीरो। सी माइनस 3x माइनस 32x क्या हो जाएगा, माइनस 35x। ठीक है, तो मैंने इसको अलग तरीके से बस लिखा है, बस अब इसमें से कॉमन क्या आ जाएगा, इधर से 3x आ जाएगा, इधर से 3x आ जाएगा, तो दिस विल बिकम 3x और अंदर क्या बचा, x माइनस 1, इधर भी x माइनस 1 बचेगा, क्यों, क्योंकि हम लोग यहाँ पे लिख देंगे माइनस 32 एंड दैट इज इक्वल टू जीरो। ठीक, तो एक इक्वेशन मेरी बन गई क्या, 3x माइनस 32 और एक बन जाएगी x माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो। ठीक, अब अगर हम लोग कंसीडर करते हैं 3x माइनस 32 इज इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 32 and that is equal to x is equal to 32 by 3। ये होगी मेरी एक x की वैल्यू। और अगर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 करते हैं तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू हो जाएगी 1। ठीक है, therefore x इज इक्वल टू या तो 1 हो सकता है और या 32 by 3 हो सकता है, या कई बार हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 1 हो सकता है और 10 होल्स टू द पावर 2 बाय 3, इसका भी मीनिंग वही आता है। ठीक है, तो आपको देखना है आपको कैसे क्वेश्चन में पूछा गया, अदरवाइज मैं आपको बता रहा हूँ ये दोनों ही तरीके से हम लोग लिख सकते हैं।